तुम हैं नालायक। वालिम साहब क्रिकेट खेलने जा रहे हो हैं? शरीर पे ही। अरे बेटे बुखार उतर गया तुम्हारा? साबिर अली कैसे हो भाई? मियां जी आज पान नहीं चलेगा। चलो लगा दो डबल जाफरानी। मुंह रचे आपका दिल मचलता है, ओंठों से आपके मेरा खून टपकता है। मियां एक तो तुम शेर बहुत बुरे सुनाते हो लेकिन पान बहुत आला लगा। वो मियां जी आपसे एक बात करना थी। हाँ कहो। महल्ले का मामला है, शब्बीर से कहो अपने लड़के को जरा कंट्रोल करे। क्यों? अब क्या बताऊं मियां जी आपको, ये उस्तानी जी है ना, वो तो चली जाती है स्कूल, बेटी घर में अकेली होती है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अच्छा अच्छा समझ गया, मैं समझा दूंगा उसे, लेकिन तुम ये बात किसी और से ना कहना, जवान बच्ची का मामला है। क्या करें मियां जी, हम भी बेटियों वाले हैं। लिख लेना भाई। आइए पूजा, बड़े जोर की भूख लग रही है। क्यों, बच्चों को मारकर पेट नहीं भरा? अरे धुन कर रख दिया मेरे बच्चों को, अभी दरवाजा भी बंद कर लिया कि मैं बचा भी ना सकूं। एक एक हाथ पड़ा है दोनों को और ये दुहाई इस तरह दे रहे थे जैसे इन्हें हलाल किया जा रहा। अरे बहन ऐसा करो, हवन दस्ता लो उसमें डालो और कुचल डालो इन बच्चों को। देखो तो कैसा चुग्गा सा मुंह निकला है मेरे बच्चों का। अरे 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 भाई देखो, हमारे बच्चों को मारा मत करो, बहुत बुरी बात है। इधर मेरी जान, मैं अपने बच्चे को खुद खिलाऊंगी। दादी आपने अब्बू को नहीं डांटा? अरे बेटा इसकी तो मैं वो पिटाई लगाऊंगी ना कि याद करेगा ये। आप लोगों की शहनत इन दोनों को दो कौड़ी का कर दिया है। अम्मी बुरी बात जबान नहीं चलाते बड़ों से। कैसे मेरी नकल उतारी और आप लोग हंस रहे इसकी बात। बेटे ऐसा करूं मैं तेल लगा दूं, सब दर्द ठीक हो जाएगा। तेल नहीं पप्पो, आपके हाथ से तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। खूब फोपो मक्खन, अम्मी इसके सर में कोई दर्द वर्द नहीं है, सिर्फ आपके सामने नखरे कर रही है। जी हाँ सर मेरा है और दर्द का आपको पता। जी हाँ आय हाय बड़े लुटाई है। अम्मी अब आप कोई जवाब ना दीजिएगा, हम खा सुबह बात करते। वो अम्मा, अरे ये क्या हो रहा है, मेरी अम्मा से सर दर्द हो रही? अरे अम्मा छोड़े इसका सर, आपके हाथों में जुए चढ़ जाएंगी, जुए छोड़े। मेरे नहीं है जुए, वो तो होंगी तुम्हारे सर में। आप ही लंगे लगे। अरे अम्मा छोड़े इसका सर, ये दुश्मनों की बेटी है, सांप का बच्चा सपोलिया। अरे बदनसीब तू मामू को सांप कह रहा है? अम्मी आप भी तो हर वक्त मामू को पता नहीं क्या है। मैं हर वक्त कुछ भी कहूँ ये भाई बहन का मामला है, मगर ये नहीं हो सकता कि तुम लोग कुछ कहो। अम्मी उन्होंने हमारी फरजाना बाजी को आप। अरे खबरदार तूने फरजाना का नाम लिया। तूने फरजाना का नाम क्यों लिया? अरे मर गई वो हमारी तरफ से। मेरा मकसद ये नहीं था। चूल्हे में गई फरजाना। आप अपने आप को संभाल ले। मर गई फरजाना। अरे तूने नाम पानी लेके पानी लेके। अम्मी अम्मी अरे भाई ये राणा आखिर वो कर क्या रही है, आकर बता तो जाए कि कैसी तबीयत है उसकी फूफी की। अरे तुम तो बैठ जाओ ना, टहल टहल के फल घिसे जा रहे, तुमको क्या है? मुझे क्या है? वाह बहन है मेरी, बहन है मेरी, बड़े चाहने वाले भाई बन रहे, 3 साल से तो बात नहीं कर रहे। तो इससे क्या होता है? अबू जान अब आपकी तबीयत भी खराब। अरे भाई मेरी तबीयत को मारो गोली, ये खमीरा लो और राणा को दो के खिला दे अपनी फूफी को, जाओ। पता नहीं कब गुस्सा ठंड होगा भाईजान का। गुस्सा नहीं है नुमान, रंज है उनको। मैंने कौन सा इतना बड़ा कसूर कर लिया है कि 1 साल होने को आया उनका रंज नहीं जाता? बस वो चाहते नहीं थे कि हम वो मकान छोड़े, उन्होंने तो ये भी कहा था कि ऊपर का घर बना ले। हाँ बात तो वही हुई ना कि जो जिस हाल में है उसी में खुटा रहे, बेहतरी की तरफ ना जाए। अगर मेहनत से अपने हालात बेहतर बना लिए हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि रिश्ते तोड़ लिए। तो आप उनसे खुलकर बात क्यों नहीं करते? नहीं करूंगा मैं, हम दोनों सगे भाई हैं, हमें एक दूसरे की बात बगैर कहे हुए समझ में आ जानी चाहिए। हो गया पूरा अखबार हिफ्ज़? क्या? अच्छा अच्छा फिर हो गई शुरू ऊंचा सुनने की एक्टिंग। एक बात सुनो। हाँ।
तुम ऐसा करो, फिल्मों में चले जाओ, मोहम्मद अली की जगह ले लोगे और वो बेचारा भी रिटायर होके घर बैठ के अल्लाह अल्लाह करे। वो तो मोहम्मद अली के लिए आपके भरोसे पे रिटायर हुआ है, आप तो जाए वो खानापुर करने, ट्रेनिंग आपकी मुकम्मल। खानापुरी तो मैं अब तुम्हारी करूंगी। ये बताओ, ये अस्करी साहब तुम्हारी दुकान पे रोज रोज क्या करने के लिए जाते हैं? सोना खरीदने आते हैं और क्या करने आते हैं? और शतरंज का डिब्बा वैसे ही बगल में दबाए लिए जाते हैं। भाई मैं किसी की बगल में झांकता नहीं हूँ, क्या दबा रखा है? और मिर्जा साहब इत्तफाक से उनको तुम्हारी दुकान पे मिल जाते हैं। एक बात सुन, तुमने कोई दुकान में खुफिया कैमरा फिट कर रखा है? अरे मुझे क्या पड़ी है कैमरे पे पैसे खर्चने की, मुझे सब पता चल जाता है वैसे ही। अरे क्यों सारा खाना जूठा कर रहे हो? अरे मैं तो नमक चख रहा था, बिल्कुल फीका है, मेरे ख्याल से तुम नमक डालना भूल गई। चलो शुक्र तुमने बता दिया। अरे इतना नमक डाल दिया, जहरे कातिल कर दिया। अभी तुमने ही तो कहा था। तुमसे किसने कहा था मेरी बात पर एतबार करने को? अब क्या होगा, सारी हांडी बर्बाद करा दी, अल्लाह की मार तुम पर। मोहनजान देखिए ये मुझे कोस रही है। अब जाने फरमाइश करके कलीजी पकवाई थी, अब खफा होंगे। बिल्कुल ठीक खफा होंगे, हला हल नमक झोंक दिया, हालांकि मैं मना कर रहा हूँ, देखो नमक ना डालो, नमक ना डालो। छूटे गई के? अरे अच्छा एक काम करते, मैं एक दफा फिर चख देता हूँ। हाथ लगाए तो हाथ पे गरम गरम चमचा लगा। अच्छा अच्छा मैं जा रहा हूँ, खुद ही पकाओ। वाह क्या पत्ते आए इस मतलब, कोट हो जाएगा इसका। हमारा कोट क्या, तुम बास्केट नहीं दे सकते भाई। फिर हो जाए सर, हो जाए दो दो किलो मिठाई। क्यों मिर्जा हो गई? बिल्कुल हो गई, मगर सोच लो भाई ऐसा करी, अगर कोट ना कर सके तो दो किलो मिठाई खिलानी पड़ जाएगी। मेरा पत्ते तो बहुत तगड़े हैं, मगर थोड़ा पार्टल फसड्डी है। खैर आपसे तो बेहतर ही खेलता हूँ जनाब। अब इनकी क्या बात करते हैं आप, ये तो काबिले माफी हैं, इनके दिमाग में तो हुक्के का धुआं भरा हुआ है। परसों अपने ही पार्टनर के सर को तुरुप कर बैठे थे। खैर भाई वो तो वक्त ही ऐसा था। अच्छा अब क्यों, क्या 12 बज रहे थे? सामने से बन्नो चूड़ी वाली जो गुजर रही थी। ऐसा बोलो भाई, अगर भाभी ने सुन लिया तो रात का खाना खतरे में पड़ जाएगा। सबको अपनी तरह बीवी से डरने वाला समझते हैं। अरे भैया हर अमन पसंद शहरी बीवी से डरता है। अगर बीवियों से डरने वालों की एसोसिएशन बने तो भाई शफीक का पहला नंबर। दूसरा कर लो, हमें अपने गुलाम अली साहब लाइव प्रेसिडेंट बनेंगे ईमान से। हमारी बीवी की आवाज सुन के थर थर कांपने लगते। माशाल्लाह तुम्हारी भाभी है भी तो कलाशन को। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटे अपनी ऐनी खाला को ना बताना कि मैं यहाँ क्लास खेल रहा हूँ। नहीं मैं तो बोलूंगा। अरे नहीं मेरी बात सुनो बेटे, शाबाश, ये लो चवन्नी, बताना नहीं। ये क्या फकीर समझे जो चवन्नी दे रहे? अच्छा चल ये क्या हो गया, बताना नहीं। शाबाश अब तो नहीं बोलूंगा। शाबाश। और सुन बेटा ये भी ना बताना कि काले चाचा यहाँ पर थे। सही। शाबाश। भाई वाह माशाल्लाह क्या बहादुर आदमी है आप। डरपोकी का तमगा मिलेगा इससे। मिलना नहीं चाहिए, हक बनता है। हम तो अब चले जरा सब मिलके हमारी मगफिरत की दुआ कर। हमारी दुआएं आपके साथ हैं मियां। अच्छा भैया खुदा आइए गुलाम अली साहब, आप ही ले सकते हैं जगह। आइए तो सवाल पुराना दोस्त दोबारा बांटिए भाई। अच्छा अच्छा आ गए आप। अरे भाई हाँ, बड़ा सर में दर्द हो रहा है। कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं, वो तो सब्बू की दुकान पे अखबार पढ़ने चला गया था। अच्छा ये तुम कहीं वो अपने अस्करी साहब की बैठक की तरफ तो नहीं गए? नहीं नहीं वहाँ मैं क्यों जाता, क्यों पूछ रही हो? नहीं नहीं वैसे ही पूछ रही हूँ, मैंने कहा शायद तुम वहाँ पे चले गए हो ताश वाश खेलने। नहीं ताश मैं नहीं खेलता, खामखा वक्त जाया होता है देखो। हाँ तुम सही कह रहे हो। अच्छा वो भाई साहब को तो कहीं नहीं देखा तुमने? भाई साहब से मुझे क्या लेना देना, वो तो नमान की तरह है, कोई कह रहा था पता नहीं। अरे झूठ बोलते, तुमको शर्म नहीं आती? तुम अस्करी साहब की बैठक में बैठे ताश खेल रहे थे, बाजी बद बद के
और भाई साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, तुमसे बातें बतिया रहे थे, सब पता है मुझको। ये झूठ का पुलंदा तुमसे किसने कह दिया? उसी ने जिसको तुमने पहले चवन्नी फिर रुपया दिया। मैंने 1.5 रुपया दे के सब फूल कलवा लिया उससे। अरे बैठे हैं, हद कर दी इन्होंने, हद कर दी, कमाल हो गया। शरारती बच्चा चाचू से शरारत नहीं करता। इधर आ जी अब। बेटा आज तुम महीनों बाद आए। महीनों बाद? हम पिछले जो मेरे को तो आया था मैं। तो पाए, मुझे तो याद ही नहीं था। रोमान मियां उधर भी सलाम करके आए हो? पप्पू का जी मैं अभी जा। हाँ हाँ बेटा हो लो, वरना अभी तुम्हारे पप्पा फूल बरसाना शुरू कर देंगे। अरे हम फूल बरसाएं या कांटे बिछाएं, किसी को क्या। अरे गजब खुदा का, जिस भतीजे को बेटा बनाकर गोद खिलाया, आके शक्ल दिखा जाता है पुप्पी को, तो लोगों के कलेजे पे सांप लौट जाते हैं। अरे ये तो हमारा ही हौसला है कि फिर भी फूल बरसाते हैं, पत्थर नहीं बरसाते। सच कह रही है यानी बेगम, इन्होंने तो तुम लोगों की वजह से अपने कलेजे पे पत्थर की सिल रख ली। अरे खाला क्यों जल्दी को हवा दे रही है? आए हमें क्या पड़ी हवा देने की, ईमान लगती तो कहेंगे ही। आपको अपने घर में कोई काम नहीं है जो हर वक्त यहाँ खिड़की में टंगी रहती है? अरे हमारा घर है, हम खिड़की में बैठे हैं दरवाजे में, तुम रोकने वाली कौन? अबूजा आखिर ये कब तक चलता है? भाई ज्यादती तो उधर से होती है, हम क्या करते है? हर दो चार रोज में एक नया मोर्चा खुल जाता है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप और अम्मी मेरी तरफ चलें। ये तो हम दूसरों के लिए अपना घर क्यों छोड़कर जाएं? इससे बेहतर ये नहीं है कि अब ये मसला खत्म ही हो जाए? अबूजान आखिर पप्पा आपकी सगी छोटी बहन है, आखिर ये अच्छा लगता है कि 3 साल से ना आपकी बोलचाल है ना आना जाना है? देखो मियाँ, ना मैंने बोलना बंद किया, ना मैंने कोई झगड़ा किया, ना आना जाना बंद किया। जिसने ये सब कुछ किया है आखिर उसे कोई क्यों नहीं समझाता? ये बड़े भाई है, वो छोटी बहन है, आए और आकर मिल कर ले। खत्म करा दिया भाई बहन का रिश्ता। अरे घर में से का कांटा डलवा दिया, अब लोग करे रात, अब बिचारी नंद के आने जाने का कोई डर नहीं रहा। अरे गजब खुदा का, भाई को शैका के बहन का घर लुटवा दिया। अरे जालिमो, अरे तुम्हारे आगे भी औलाद है, खुदा से डरो। अरे करो दूसरी गोटी पड़ो, लगा लो दादा की गोट के पीछे। बताने की नहीं हो रही यहाँ? बिल्कुल बताने की, आप जो आशो को बता दे। तो वो तो छोटी है। नहीं छोटी भी नहीं, वो खुद ही तो बताते रहते हैं। अच्छा बच्चू, अब नहीं बताऊंगा चाहे तुम्हारी गोट पिट जाए। पहले अपनी तो पिटने से बचाइए। छे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आप भी जल्दी आपने देखने क्यों नहीं दिया? दादा बेमानी करते हैं, ये नहीं माना जाएगा। अब मैंने क्या बेमानी की, मैंने अपने चश्मे से देखा, छे था। वाह 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 वाह, क्या अच्छे लग रहे बच्चों के साथ खेलते लड़ते। राना देखना बेटे दरवाजे पे कौन है, मैं बहुत मसरूफ हूँ। ये देखो एक हो गया, ये देखिए 6 के बाद ये 2 आ गया। अबूजान, अबूजान फरजाना बाजी का खत है। क्या फरजाना का खत आया है? मेरे नाम होगा? जी हाँ आप ही के नाम है। आ रहा हूँ जल्दी आई। रेहान की माँ सुनती हो, फरजाना का खत आया है। फरजाना का खत आया है दुबई से। अरे खत खोलो ना, क्या लिखा है? खोलते हैं अभी, जल्दी क्या है, अभी तो हम लूडो खेल रहे हैं। बच्चों लूडो बाहर ले आओ, यहीं खेलेंगे। पढ़ते हैं जल्दी क्या है आखिर। हाँ भाई किसकी बारी है? जी नहीं खेल खत्म। अच्छा भाई पढ़ता हूँ, लो भाई खुल गया खत। लिखा है, मेरे प्यारे मामू जान आदाब, जीती रहो। अच्छा अरे खुद ही पढ़ते जाओगे, हमें नहीं सुनाओगे? हाँ सुनाता हूँ। लिखा है, मामू जान आप बहुत याद आते हैं, मेरे प्यारे मामू जान। और लिखा है, माशाल्लाह खैरियत से हैं सब। बच्चे का लिखा है, बच्चे का माशाल्लाह चलने लगा है। अच्छा। अम्मा अम्मा कहने लगा है। लो और सुनो, फरजाना ने सिखाया है तो नन्ना नन्ना कहना सीख गया है। और लिखा है, पाकिस्तान और आप सब लोग बहुत याद आते हैं, सबकी तस्वीरें मंगाई। और लिखा है, बच्चे की तस्वीर भेज रही हूँ। हाँ?
हाय अल्लाह कितना गुंडू है अबू जान, देखिए तो गुलगुला बिल्कुल बाप मर गया है भाई। मुझे तो दिखा कितना प्यारा है, जी तरह गाल तो देखिए अबू जान लटक रहे हैं, बहुत बहुत, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अच्छा मुझे दीजिए, मैं नगमानों को दिखाऊंगी। कहां भाई तस्वीर कहां ले जा रही हो बेटा, तस्वीर ले जा रही हो? नगमाना कहाँ है? चची क्या गई भी अपनी? क्यों? उसे भी आज ही जाना था। और ये एहसान कहाँ है? ये एहसान इस वक्त घर में कब होता है? फैक्ट्री गया हुआ है। और फूफा जान होंगे दुकान पर, यानी घर में कोई भी नहीं है। अच्छा मैं चली। ये जो मैं इतनी बड़ी पहाड़ से यहाँ बैठी हुई हूँ तुम्हारे सामने, तो मैं तुम्हें नजर ही नहीं आ रही। आप तो है मगर किसे दिखाऊं? इस नगमाना को भी आज ही जाना था। पुपी जान, पुपी जान देखिए खफा ना होइएगा, आपको मेरी जान की कसम तबीयत भी बिल्कुल खराब नहीं कीजिएगा। पुप्पो तस्वीर आई है फजाना बाजी के बेटे की, दिखाऊं आपको? नहीं मुझे नहीं देखनी कोई तस्वीर। तस्वीर पुप्पो तस्वीर के पीछे नाम भी लिखा है एनुद्दीन, और आप ही की तरह एनी कहलाता है। ये देखिए ना पुप्पो, मैंने कह दिया ना मुझे नहीं देखनी कोई तस्वीर तस्वीर, और तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। लो वहां से आ गई पुप्पो पुप्पो करती हुई। मजा तो इसलिए नहीं आ रहा भाई शफीक कि आपका दिल पूरी तरह से खेल में नहीं है। हाँ बात ही कुछ ऐसी है। मैं आपका मसला अच्छी तरह समझता हूँ, ये रोज रोज की चेक चेक इंसान को परेशान रखती है। यार तुम भाभी को समझाते क्यों नहीं? भाई समझाता हूँ मगर उस तरफ से फायर इतनी जोर का आता है कि अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाती है। देखिए ना मोहल्ले में एक तमाशा बन जाता है, लोग जली पे तेल डालकर और तफरी लेते हैं। होना तो ये चाहिए था कि सगे भाई बहन आज लड़े थे कल गले मिल लेते। भाई ईमानदारी की बात यह है कि ताले भाई का बड़ा दिल गुर्दा है, बहन चाहे कुछ भी के बेचारे पलट के जवाब नहीं देते। तो फिर वही बढ़कर आगे मिल रहे? आगे वो भी नहीं बढ़ेंगे, वो भी बड़ा जिद्दों का खानदान है। हालांकि देखा जाए तो मियां बीवी ने हम पर बड़ा एहसान किया है। भाई आप तो सारी बात समझते हैं। हाँ वो कौन नहीं जानता, वो दरअसल एक गुजरी बात हुई। अब सवाल यह है कि झगड़ा कब तक चलता रहेगा, कोई एक तो खत्म करे। बात यह कि ताले भाई बड़े भाई ने, वो तो पांव पकड़ने से रहे। तो भाई शबीर मेरी समझ में तो एक ही बात आती है कि फरजाना बेटी एक बार आ जाए तो ये झगड़ा खत्म हो जाए। वो भी जिद्दी माँ की जिद्दी बेटी है, ये बुलाएगी नहीं वो आएगी नहीं। अब्बू जान ये आपने खुद की है अपनी तबीयत खराब, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इन्हें सुकून की जरूरत है तभी आएगा ये ब्लड प्रेशर नीचे। अल्लाह ऐनी बेगम को सलामत रखे, हमारे घर में सुकून हो ही नहीं सकता। अम्मा अब्बू जान इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि आप लोग हमारे साथ चलिए। अरे बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बदन में खून है तो प्रेशर देगा ही, जोश मारेगा ही। अरे ये सब कुछ खुद इनका अपना किया धरा है। और जब बहन की तबीयत जानते ही थे तो फिर उसकी बच्ची की शादी की बात पे क्यों कूदे? और फिर बड़े जोर से कह रहे थे छाती ठोक के कि फरजाना मेरी बेटी है, मैं कर रहा हूँ अपनी बेटी की शादी। तो और क्या कहता, सारी दुनिया में ढोल पीट देता कि लड़की खुद चाह रही है, सिविल मैरिज करने जा रही है। बड़ी इज्जत अफजाई हो जाती सारे खानदान की। यही अड़ी रही, यही कि लड़का खुद क्यों पसंद किया, मैं नहीं होने दूंगी ये शादी। भला बताओ फरजाना का दूल्हा इतना बुरा भी नहीं है, खाता कमाता पढ़ा लिखा शरीफ लड़का है, शफीउल्लाह को भी पसंद था। माशाल्लाह बच्ची को दुबई में ऐश करा रहा है। मगर फुफो तो यही समझती है ना कि फरजाना वहाँ फाकू मर रही। अरे इन्होंने दीवार बीच बैठकर अपने मकान में लड़की का निकाह करा दिया, तो फिर अब इसीलिए तो नहीं मानती है। नहीं मानती है तो न माने, उस वक्त खानदान की इज्जत बचाने का बस यही एक तरीका था। मैं जानता हूँ भाईजान आप मेरे अलग रहने से रंजीदा है, मैं कब हुआ हूं अलग आपसे, सिर्फ दूसरे घर में रहने लगा हूं। हम सब एक हैं, एक खानदान एक घर, हम कब हुए हैं अलग? तुम डिफेंस से बीवी लाए थे ना, वो चंद दिन मजबूरन हमारे पास रही, फिर तुमको भी ले गई डिफेंस। नहीं नहीं भाईजान ये आप गलत सोच रहे हैं, वो तो अभी भी अम्मी की लाड दुलार में खुश रहती है,
वो घर हमें कंपनी ने दिया, इसमें उसका क्या बीच है? भाईजान, हमारे माँ बाप एक पेड़ की जड़ें हैं जो दूर तक माहौल और तहसीब की जमीन में गई हुई हैं। हम बहन भाई उस पेड़ का तना है, हमारे बच्चे उसकी शाखें हैं जो जो फैलने के लिए जगह चाहते हैं। मैं भला अपनी जड़ों से अलग हो सकता हूं? नुमान, तुम ठीक कह रहे हो, अबू जान का इलाज तुम्हारे यहां बेहतर तरीके से हो सकता है। मैं समझा लूंगा उन्हें। अब्बा, जैसे आपके सारे टेस्ट खत्म हो जाए आप लोग फौरन वापस आ जाइएगा। अरे दुल्हन बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये लड़के तो घबराते हैं यूं ही। अब देखो ना, इस उम्र में घोड़े की तरह कूदने से थोड़ा ये सब इसमें हुक्के का फुतूर है, दिल को धुआं चढ़ गया है, देख लेना डॉक्टर भी यही कहेगा। हुक्का तो तुम्हारी शौकन है। अम्मा ठीक कह रही है, वैसे अब आपको हुक्का कम करना पड़ेगा। अरे हाँ बेटा, वो एक बात याद आई जी, वो पन्नो चूड़ी वाली जो राना के लिए रिश्ता लेके आई थी ना, अगर वो तुम्हें मिले ना तो उससे कहना कि लड़के वालों से मिल ले। ठीक है? ठीक है। क्यों रेहान के अब्बा, ठीक कह रही हूँ मैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे शाइना कह रही थी कि उनकी नजर में भी एक दो बड़े अच्छे रिश्ते हैं। हाँ हाँ, वो भी देख लेंगे, 10 लड़के देखे जाए ना तो कहीं जाके एक जगह बात चलती है। है, क्या कहें रेहान की माँ, मैंने तो हमेशा से यही सोचा था कि घर में लड़का मौजूद है, जब वक्त आएगा हो जाएगी शादी। घर में कौन सा लड़का अब्बा? बेटा अपना एहसान, कोई पढ़ा लिखा लड़का है, फैक्ट्री में सुपरवाइजर है, ओवरटाइम मिलाकर अच्छा खासा कमा लेता है, फिर किसी ऐप में नहीं, किसी फेल में नहीं, और सबसे बढ़कर ये कि अपने घर का बच्चा है, ना कुछ देखना ना किसी से कुछ पूछना। वैसे पप्पू बहुत चाहती है राना को। अरे बेटे, वो लाख चाहती हो राना को, मगर कयामत तक वो इस घर में रिश्ता मांगने नहीं आएगी। वो इस घर में रिश्ता मांगने नहीं आएगी और हम अपने बेटे को उनके घर में धक्का देने से तो रहे। वैसे भी ये कुछ मुनासिब नहीं है रिश्ता। क्यों, क्या खराबी है बीच में? देखते नहीं, एक दूसरे के जानी दुश्मन है, एक दूसरे की शक्ल नजर आती लड़ना शुरू हो जाते हैं। हाँ ये बात तो है, मिजाज में दोनों आईनी पर पड़ गए। लड़ाई को जाने दे, ऐसे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आए हटो भी, क्या तुमसे कुछ कहा है? अम्मा कहना सुनना क्या था, ये तो मेरा अपना अंदाजा है। नहीं बेटा, तुम्हारा अंदाजा गलत है। अरे अबू जान, आजकल के लड़के लड़कियों का ये भी एक स्टाइल है, आप मेरी बात माने तो। बेटा तुम्हारी बात अगर मान भी जाऊं तो आईनी तो नहीं मानेगी ना। अच्छा ही है हम नुमान की तरफ जा रहे हैं, इस तरह दूर रहकर राणा का ध्यान बढ़ जाएगा। क्या बात है भाई, खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है? तो क्या चुपचाप का रोना रखा हुआ है? यहाँ तो पूरा अखबार खत्म कर लिया और आपके एरिया में खामोशी छाई गई। बस ऐसे ही। ऐसे ही तो नहीं, और आज आपने पान भी नहीं खाया। दिल नहीं चाह रहा ना? ये तो सारे खतरनाक इशारे हैं, बता दो क्या बात है? कोई बात नहीं है, तुम मेरी जान को मत आओ बस। अच्छा, तालिब भाई के जाने से परेशान हो? उनकी बीमारी से घबरा रही, जब वो यहां थे तो हर वक्त लड़ती थी और अब रो रही है। अच्छा, इमाम जामी बनाया है भाई के लिए? चलो अपने हाथ से बांध दो, बड़ा भाई है, खुश हो जाएगा, दिल बढ़ जाएगा। चलो। नहीं नहीं, कितनी जिद्दी हो तुम, लाओ मुझे दो, मैं मान लू। नहीं मुझे दो, मैं मान लूंगा, लाओ। देखो मेरा नाम मत लेना। नहीं ले रहा तुम्हारा नाम। तुम्हें मेरी जान की कसम है, मेरा नाम मत लेना। कह तो दिया कितनी बार कहूं। अजीब जिद्दी खानदान। ये अब्बू जान कहते हैं जी, गिरा नहीं देना। अच्छा तो तुम अब डिफेंस वाली बनने जा रही हो? तो तुम क्यों जले मर रहे हो? मैं क्यों जलूंगा, जब तुम वहां से वापस आओगी ना, पता है क्या कर रही होगी? हाय हाय कर रही हूँ। और तुम रहोगे वही पेंडू के पेंडू। पता है भाभी तुम्हें क्यों अपने साथ ले जा रही है? पहले तो वो तुम्हें इंसान बनाएगी, जो कि तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, और उसके बाद वो तुम्हारा एक ऊंचा सा रिश्ता करेगी। तो आखिर आपको क्या तकलीफ पहुंच रही है? नहीं मुझे क्या तकलीफ है, मैं तो खुद भी चाहता हूँ कि तुम्हारी बात तय हो जाए, क्योंकि तुम यहाँ बैठी बैठी बूढ़ी हो जाओगी। क्या क्या क्या, यहाँ मुझे रिश्तों की कमी है?
पिछले महीने ही तो वो चपड़कना थी तुम्हारे साथ बहुत सज रहा था मजाक। देखो देखो मेरे साथ मुंह संभाल के बात करना। चलो चलो वहां सब इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो कुली सामान उठाओ। चलो कुली सामान उठाओ। आया है ये किस उजाड़ शक्ल का आमलेट बनाया तूने? खाली सफेदे का आमलेट तो ऐसे ही बनेगा जी। क्यों, क्या यहाँ की मुर्गियाँ बावली हो गई जो बगैर जर्दी का अंडा देती? नहीं अम्मा जी, जर्दियाँ तो मैंने हटा दी हैं। साहब के लिए सिर्फ खाली सफेदी का आमलेट बनता है। खाली सफेदी का, मगर क्यों? बेगम साहब ने कहा है। झूठ बोलता है बेगम साहब। क्यों कहने लगी? अरे कमबख्त ये फफूंद लगी डबल रोटी क्यों सेक रहा है? ये ब्राउन ब्रेड है जी साहब के लिए। क्या है ये? चोकर की रोटी है। हाय मैं मर जाऊं कमबख्त, मर नामुराद मेरे बच्चों की चोकर की रोटी खिलाएगा। फेंक इसे, फेंक जल्दी। बेगम साहब का हुक्म है जी। बेगम साहब का हुक्म है जी। ये सब क्या है? ये मेरा नाश्ता है जी। अच्छा तो खुद ठूस रहा है ये पराठे और तीन अंडों की जर्दियाँ और ये मलाई, और साहब के सामने जाके पटक देगा ये यरकान ज्यादा आमलेट और ये चोकर की रोटी। नामुराद कहीं के। क्या हो गया अम्मा, क्या हो गया, क्यों लड़ रही है सुबह? अब बिटिया जरा देखना तो, ये देखो ये नुमान के लिए नाश्ता बनाया और ये अपने लिए। भाई हद हो गई चोटे पन की है। और मैंने टोका तो कह रहा, बेगम साहब ने कहा था। ठीक ही कह रहा है अम्मा, नुमान को डॉक्टर ने ऐसे ही कहा है। दीवाना होगा डॉक्टर भी, अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल तो नीली शीशी में आता है, हम खुद देते थे अपने बच्चों को। कैस्टर ऑयल नहीं अम्मा, कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत बुरी चीज होती है। ये बहुत बुरी चीज होती है और ये चोकर की रोटी बहुत अच्छी होती है ना। नुमान के लिए बहुत अच्छी है, वजन कम करने के लिए। पता नहीं कैसी उल्टी गंगा बह रही है। नौकर खाएं तरमल और साफ खाएं ये रूखी सूखी चोकर के ठिककर। वाह भाई वाह, ठीक है। चलो सल्लू जल्दी से नाश्ता तैयार करो, साहब आ रहे हैं। जी अच्छा। लड़की आप कैसे नहीं हुए? सल्लू ने साफ पीछ लिया। गिल्ली डंडे में आउट नहीं होता कोई, ढम होते हैं, और कैच क्रिकेट में होता है, गिल्ली डंडे में लपकी ली जाती है। अच्छा तो ठीक है, लपकी से ज्यादा ढम हो गए, अब मेरी बारी। चलो गिल्ली डंडा, चलो तैयार। हाँ लपकी 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 लपकी, चलो आप ढम हो गए। जी नहीं दादा ने एकदम बेमानी की है। मैंने क्या बेमानी की? एकदम सर पे चढ़ के खड़े थे और पहली बारी में लपकी नहीं ले जाएगी। हाँ क्यों नहीं गिनी जाएगी? रोंदू नहीं बनो। नहीं गिनी जाएगी, नहीं नहीं मैं नहीं खेल रहा। क्या हो रहा है, क्या शोर मचा रखा है ये? अब्बू जान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटे, वो ये फर्रुख खेल रहा था, तुम्हें देख रहा था। और सल्लू तुम काम काज छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बड़े साहब को देख रहा था जी। झूठ, बिल्कुल झूठ, मैं नहीं खेल रहा था, ये मुझे जबरदस्ती खिला रहे थे। अच्छा और आप इतने भोले फरिश्ता हैं कि आप मजबूरन खेल रहे थे? हाँ चलो चलो सल्लू, चलो जाके काम देखो। अब्बू जान आप नौकर और बच्चे के साथ खेल रहे थे और वो भी ये गिल्ली डंडा। दुल्हन क्या करें, क्रिकेट तो खेल नहीं सकते, खिड़कियों में इतने कीमती शीशे जो लगे हुए। और कल आप फर्रुख के साथ पतंग उड़ा रहे थे। नहीं मम्मी, मुझे उड़ाना सिखा रहे थे। तुम चुप रहो। देखो ना दुल्हन, रेहान और नोमान को भी तो हम ही ने पतंग उड़ाना सिखाई। अब वो नोमान तो फर्रुख को सिखाते नहीं, तो मजबूरन हम ही को। अब्बू जान पतंगबाजी ऐसा कौन सा हुनर है जो बच्चे को जरूरी सिखाया जाए? हुनर ही तो है दुल्हन, अल्लाह बख्शे। अब्बा जान मरहूम कहा करते थे, हर हुनर हाथ में होना चाहिए, ऐसा पेच लड़ाते थे। वाह वाह वाह। अब्बू जान फर्रुख को तो आप इन गलियों और महल्ले वाले खेलों से माफ ही रखिए, ये डिफेंस है, यहाँ ये हुनर नहीं चलेंगे। हाँ है तो डिफेंस ही। आखिर कब आएंगे दादा? पता नहीं बेटा। अच्छा क्यों, कोई काम था तुम्हें? नहीं, सब लोग बहुत याद आ रहे थे इसलिए चला गया था। भाई जान चलिए बाबू जान को वापस ले आते। क्या सोच रहे हो, चले ले आए सब। आपको पता है उन्हें सबसे ज्यादा कौन मिस कर रहा है? कौन? जंगो जदल से भरपूर शाकार हमारी अम्मा। सच कह रहा हूँ। फर्रुख बेटे, सुबह सुबह टहलना सेहत के लिए मुफीद होता है। सुबह सुबह क्यों? सुबह की ताजी हवा में सांस लेने के लिए। अगर हम लोग सोते में सांस लें तो भी हवा होगी।
हाँ भाई होगी तो यही हवा, वाकई होगी यही वाली हवा। बस अपने बड़े बूढ़ों से सुना हुआ है। कौन से बड़े बूढ़े? हमारे बड़े बूढ़े, हमारे बुजुर्ग, यानी हमारे बुढ़े बुढ़े लोग। कैसे ही बूढ़ा कोई होता है? अभी यहाँ हम इतने बूढ़े भी नहीं है। बगैर छड़ी के साथ चल भी नहीं सकते? ये छड़ी तो स्टाइल के लिए पकड़ी जाती है। अब भी तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ जनाब। अच्छा, मैं दौड़ के तो दिखाइए। इलावा जी खामोखा, अरे कोई जरूरत हो तो दौड़ू भी। दादा चोर। चोर? अरे चोर 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 चोर। अरे डंडा मुझ पे क्यों टांग रहे? चोर तो ये है। चुप करो, ये हमारे एसपी साहब है। एसपी साहब? एसपी और चोर? इसको पुलिस से चले चलो। तेरे साथ चलो, चलो मेरे कपड़ों की इस्तरी खराब हो जाएगी। इस्तरी तुम्हारे ठीक करूंगा, थाने में चल के चलो। अरे फर्रो चलो सीधे फर्रो। फूलों जैसा है तोहफा, कलियों सा महका महका, मौत का ग्लैमर परफ्यूम डाल, मौत का ग्लैमर परफ्यूम डाल। आग ना भी बताए खुशबू बता जाए। तीन किस्म की जिल्द के लिए तीन किस्म के खास पामोलिप। नॉर्मल जिल्द के लिए सफेद पामोलिप मॉइस्चराइजर के साथ, खुश्क जिल्द के लिए गुलाबी पामोलिप नरिशिंग लोशन के साथ, और चिकनाहट वाली जिल्द के लिए सब्स पामोलिप क्लेंजिंग लोशन के साथ। आपका अपना पामोलिप आपके अपने रंग रूप के लिए। दिन भर का ट्रैफिक का धुआं, घर आते आते बुरा हाल, ऐसे में आम साबुन किसी काम का नहीं। और कोई नहीं मिला था जो एसपी साहब को जा लिया आपने? तो मियां क्या उनके माथे पर लिखा हुआ था कि एसपी हैं? ये तो समझिए फरुख ने अकलमंदी की जो घर भागा है और वहां पहुंचकर सारा मामला। अरे अब ये फरिश्ता बन रहे हैं, इन्होंने तो कहा था कि ये चोर है। ये तो बच्चा था, तुमने तो अपनी अकल इस्तेमाल की होती। भाई अकल ही ने तो बताया था कि ये चोर है। अंधेरे अंधेरे एक शख्स काले कपड़े पहने हुए गेट से निकलकर भागना शुरू कर दे और एक डंडा बरदार उसके पीछे लगा हुआ हो तो चोर ना समझता तो क्या समझता? अब मैं उनकी बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगी? यार फर्रो सारी डांट दादा को पढ़वा रहे हो। दादा मैं तो मजाक किया था, मगर अबू दादा क्या शूटम शॉट भागे। अभी तुमने मेरा भागना देखा कहाँ है, कल दिखाऊंगा। जी नहीं, बहुत शुक्रिया, कल से आप घर के लॉन पे टहलेंगे। दादा दादा अब क्या होगा, कैसे भागेंगे? लगा दिया ना कर्फ्यू। मैंने कहा लगा है? क्या बात है भाई एनी बेगम, कुछ मजा नहीं आ रहा है। काय मजा नहीं आ रहा भाई, जब से आपने कर्फ्यू लगाया है सारे घर में सन्नाटा। तो इस घर में एक मैं ही हूँ जो फसाद मचा रखती हूँ? नहीं, नहीं नहीं, मैं चिल्ला चिल्ली रखता हूँ। अरे मैं तो मुंह से कुछ बोलती तक नहीं हूँ। भाई बात सुनो, भाई भावर तुम्हारे रंग कसका इलाका छोड़ दा, तुम कोई अपनी पसंद का मोर्चा खोल लो। सारे मोर्चेबाजी का शौक मुझको है, नहीं, मुझको नहीं, है। नहीं, मुझे 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 देखो तो मैं कह दे रही हूँ, तुम मेरा मुंह ना लगना। भाई मैं तो सारे मोहल्ले के पुरजोर स्टार का कह रहा। मोहल्ला? मोहल्ले वालों का हमारे घर की बात में क्या दखल? नहीं नहीं, वो कह रहे थे क्या बात है कि एनी खाला ने हमारी रूहानी गजा तकसीम करना क्यों बंद कर दी? कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? नाम लो, कौन कह रहा था? जरा पूछती हूँ, नाम लो तो। भाई वो सब कह रहे थे, वो खिड़की वाली खाला कह रही थी। खिड़की वाली? अरे उससे तो अभी पूछती हूँ मैं, जरा अभी देखती हूँ उसको मैं। हाँ। अरे मैंने कहा जरा सामने आकर बात करो मेरे। अरे कहाँ छुप के बैठ गई तुम? सारा दिन खिड़की में टंगी रहती हो, हरेक के बीच में फांदे पड़ती हो तुम। लगाई बुझाई की माहिर उस्तानी तो तुम हो, तुम मेरा नाम लगाती हो, मुझ पे इल्जाम देती हो, जरा सामने आके बात करो। आज बताऊंगी मैं एक एक को के कैसे कराई थी तुमने साजदा और उसकी सास में लड़ाई। अरे मैंने कहा तू बक्के बैठ गई, जरा सामने आओ बात करो मुझसे। वाला अम्मा तो बाजार गई है, शाम को घर पर आऊंगी, शाम को लड़िएगा। हाँ दादा फिली तो मत, मैं गिर जाऊंगा। गिरने को मारो गोली, ये बताओ हो क्या रहा है? मेज ऊपर चादरें बिछाई जा रही है। अच्छा
और दूल्हा दुल्हन के लिए कोई स्टेज भी बनाया क्या? लाइटें लगी हैं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? ओहो, यम 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 क्या यार, बताओ ना। ठहर जाइए, जल्दी से बताओ तो गिराता हूँ मैं। दादा, कबाब बनाने के लिए आग जलाई जा रही है। अच्छा, सीटें लगे और ये कार की? दादा, मैं चोट लगवा दी ना। गिरे तो तुम हो मेरे ऊपर, चोट मुझे ज्यादा लगी है भाई। कहो मम्मी से। यार, एक तो तुम शिकायती टट्टू बहुत हो। डर गए दादा, डर गए मम्मी से। तो मेरे सीने पे से तो उठो यार। चलो चल के पूछते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। आओ मियां, जरा बात तो सुनना। हाँ जी, क्या बात? मियां, क्या यहाँ कोई शादी हो रही है? वो ब्याह लंदन में थी, वो फौत हुई है। अच्छा, आप बड़ी नेक हैं तुम्हारी बेगम साहिबा के खाला के कुल नहीं बल्कि खाला बड़ी खुश नसीब है कि उनकी भांजी इतनी मोहब्बत करती है उनसे। फरुक मियां, बेटे तुम घर जाओ। हाँ, हम मरुमा के लिए अकेले कबाब पराठा खाकर आ जाएंगे। मगर सितारे वगैरह का तो कोई प्रोग्राम नहीं बड़े साहब। हाँ, तो फिर ये कैसे कुल हुए? ये ऐसे कुल है बड़े साहब, वो कोठी देख रहे सफेद वाली? हाँ। उसमें कोई मरा था। अच्छा। उन लोगों ने 40वें की क्या शानदार दावत की थी। हाँ। बज्जी, उसी दिन से हमारी बेगम साहब तड़प रही थी कि हमारे यहाँ कोई मरे तो उससे भी धांसू दावत कर। उनके साथ ऐसा शानदार इंतजाम किया खाने का, बेगम साहब की टौर बन गई है। दादा दादा, हम ही नानी अम्मा के कुल करेंगे। चले आप भी। अरे ठीक ही तो कह रहा था नुमान, ये तुम क्यों सड़क के किनारे बैठ के नौकरों से बात कर रहे थे? तो फिर किससे बात करूं, यहाँ है कौन बात करने को? पास पड़ोसी तो कभी। अजब इलाका है ये भाई, हर इलाके का अपना एक मिजाज होता है। बड़ा खतरनाक मिजाज है। बीवी, क्या बात? अब यहाँ से निकलने की करो। पर क्यों? पड़ोस में स्वयं पर कैटरिंग वाले बुलाए गए हैं। क्या? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे स्वयं पर फरीदा खानम या मेहदी हसन का फंक्शन हो जाए। कैसी बातें करते हैं आप। भाभी, आपने मेरा क्या हुलिया बना दिया है? कोई हुलिया हुलिया नहीं बनाया, इतनी स्वीट लग रही हो। दिखाना जरा इधर मुंह पे। बिल्कुल बदरिया लग रही है तो। अम्मा, आप तो दर्जी ने कैसी उटंगी शलवार सी दी है? अरे अम्मा, आजकल ऊंची शलवारें ही पहनी जा रही है। हटो, बिल्कुल दीवानी लग रही है तो। कोई दूसरी नहीं? कोई दूसरी उसी नहीं, इस जमाने में जैसा पहना जा रहा हो ना वैसा ही पहनना चाहिए। और फिर आपको पता है पिंकी लोग कितने मॉडर्न है। अरे हमें क्या, मगर मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे करोगी ना तो ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। जब भी कोई तुम्हें देखने आया तुम बीबी नेक परवीन बनकर सामने आ गई और बात वहीं ठप हो गई। ये तो सब नसीबों की बात होती है दुल्हन। आप हरगिज उन लोगों के सामने इसके सुघड़ापे और पकाने की बातें नहीं करेंगे। यहाँ के लोग इन बातों को बुरा समझते हैं। अच्छा? और राणा साहिबा, आप भी उन लोगों के सामने सर झुका के गुग्गू बन के ना बैठ जाना, भाई बोलना चालना। भला मैं नए लोगों से क्या बोलूंगी? भाई जो मुंह में आए बोलती चली जाना, जितना बेतुका बोलोगी ना उतना ही मौत समझा जाएगा, समझी? बस खुदा करे यहाँ बात बन जाए। अरे अम्मा, ऐसे धांसू लोग हैं, फैक्ट्रियां हैं उनकी, ट्रॉलर चलते हैं उनके, और उनकी अम्मा का अपना ब्यूटी सलोन है आपको पता है, और उनकी बहन इस वक्त डिफेंस की नंबर 1 हेयर ड्रेसर है। अच्छा, लड़का क्या करता है? वो भी कुछ ना कुछ अच्छा ही करता होगा। रेनू, ये मेरी नंद है राणा, और राणा ये रेनू है, और इनके छोटे भाई डेनू। हाय राणा। आदाब। हाय। ओह, शी इज वेरी प्रिटी, क्यूट। राणा तुम बैठो, मैं चाय बना लेती हूँ। एक्चुअली इनको चाय बनाना भला कब आती है? कॉलेज से आती है तो इतनी बिजी रहती है, कोई काम काज करना तो आता ही नहीं है। रियली? बिजी इन व्हाट? पेंटिंग, पेंटिंग का बहुत शौक है, बस उसी में बिजी रहती है। सोशल भी बहुत है, सैकड़ों तो फ्रेंड्स हैं इसकी, बस आना जाना लगा रहता है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों डेनियो? श्योर, मैं खुद भी बहुत सोशल हूँ, वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, किसी चीज का वक्त ही नहीं मिलता। जब से अमेरिका से आया हूँ डैडी रोज कहते रहते हैं कभी ऑफिस भी आ जाया करो, बट आई हैव नो टाइम। राणा, तुम क्या पेंट करती हो? पेंट? जी मैं लैंडस्केप, ये ज्यादातर ये जो पेंटिंग है ना ये इसी ने बनाई है। मगर शानी,
Isn't it that painting जो तुमने जो जो मैंने नुमाइश से खरीदी थी? नहीं, वो यही लगी हुई थी. राना, are you interested in music? Music? जरूर होगी. कभी हमारे घर आओ ना तो मेरा म्यूजिक का कलेक्शन देखना, बल्कि सुनना. You know, ये तो क्रेजी है म्यूजिक. राना, तुम्हें कौन सा सिंगर पसंद है? जी, मेहदी हसन. मेहदी हसन? कौन है वो? मैंने तो कभी आई थिंक सम पाकिस्तानी सिंगर. डैनियल, तुमको मालूम है कोई कोई लोग अब भी पाकिस्तानी सॉन्ग सुनते हैं. ओह रियली? ओह यस. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. मियां, वो मैं ये कह रहा था कि अब तुम हमें घर पहुंचाइए. तो क्यों अब्बूजान, आपको यहाँ कोई तकलीफ है? नहीं नहीं बेटा, तकलीफ क्यों होती, जीते रहो तुम दोनों. तुम लोगों ने इतनी खिदमत की, इतना ख्याल किया, माशाल्लाह तो इनकी तबीयत भी अच्छी हो गई. फिर अब्बू आप जाना क्यों चाह रहे हैं? बेटा वो ईद में सिर्फ 8 दिन रह गए हैं. हाँ बेटा, ईद हम अपने घर पे करेंगे. अम्मी, ये क्या बात आपने की, ये आपका घर नहीं है? नहीं नहीं बेटा, ये बात नहीं है. बात यह है कि वहाँ सब अजीज रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, मिलने वाले हैं, तो ईद के दिन सब इकट्ठा होते हैं. यहाँ तो सिर्फ तुम ही लोग हो ना, और माशाल्लाह तुम्हारे पास तो गाड़ी है, ईद के दिन तुम वहाँ आ ही जाओगे. हाँ बेटा, वो रेहान और उसके बच्चे भी बहुत याद कर रहे हैं. ईद के बाद वहाँ कुछ दिन ठहर के फिर हम तुम्हारे पास आ जाएंगे. ये बात है तो फिर ठीक है अब्बू जान, मगर आप लोग आ तो जाएंगे ना? अरे क्यों नहीं भाई, अब तो यही किया करेंगे, कभी इधर कभी उधर. ईमान से 5 महीने इतने सुकून से गुजरे थे कि मैंने सोचा था कि तुमसे जान छूट जाएगी, लेकिन तुम तो फिर नाजिल हो गई. तो आप इधर क्यों तशरीफ लाए, ना आए होते हमारी तरफ? मैं तो मामू जान की खैरियत दरियाफ्त करने आया था. तो फिर जाओ मिलो उनसे, मेरा सर क्यों खा रहे हो? अच्छा, तो आपके सर में ऐसी भी कोई चीज मौजूद है खाने के लायक? खैर छोड़, ये बताओ कि तुम्हारा बना क्या? मेरा क्या बनना था भाई? सुना है भाभी तुम्हारा बेड़ा पार लगाने के लिए तुम्हें अपने साथ ले गई थी. क्यों, किसी ने नहीं कबूला? ओहो, तो आप वो बात कर रहे हैं? जी वो बात. जनाब, वहाँ तो मेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई थी. जाहिर है, तुम्हारी तो शक्ल ही ऐसी है, लाइन तो जरूर लगेगी. खैर क्या बना उस लाइन का? जो बना वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा. सुना है वहाँ से डायमंड की अंगूठी आ रही है. भाई मुबारक हो. तुम मजाक समझ रहे हो, ईद के दिन देखोगे ना तो जल जल मरोगे. गालिबन कोई शेख होगा वो. शेख क्यों होता, अपना पाकिस्तानी है. ऐसी तूफान कार है उन लोगों की, और लड़का भी अमेरिका से पढ़कर आया है. भाई अब तो हम भी हर गर्मी में यूरोप जाया करेंगे. अब जरा थोड़ा लपेटो, ज्यादा नहीं. हाँ मैं क्यों लपेटने लगी, रिश्तेदार है शाहीना भाभी का. खैर ज्यादा ना उड़ाओ. सब पता चल जाएगा ईद के रोज. भाई अपनी अपनी किस्मत है. अच्छा बेटे, मैं तो पसंद नहीं करता इस किस्म की लड़की, मगर तुम देख लेना भाई, हमारी तो पुरानी चाल की पसंद है. अब्बू जान, जो लड़का आपकी समझ में ना आए उससे रिश्ता करने का सवाल ही नहीं पैदा होता. बेटे मुझ में तो हिम्मत नहीं थी इनकार करने की, मगर शाहीना बीवी को बहुत पसंद था, शायद उनकी कुछ रिश्तेदारी भी है उनसे. आप फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगा बात. मगर देखो बेटा, बात ऐसे करना कि शाहीना की दिल आजारी ना हो. नहीं अब्बू जान, अभी तो हम खामोशी रहेंगे, जब वो लोग बात छेड़ेंगे तो फिर देखी जाएगी. बस बेटा बदमजगी ना हो. आप फिक्र ना करें, सब कुछ मुझ पे छोड़ दें. अब्बा आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, असल में अम्मी पड़ोस में गई हुई है इसलिए अभी बात कर लेते. तो क्या तुम भी अपनी माँ से डरते हो? अब्बा पहले बात तो सुन ले, वरना अम्मी आ जाएंगी और बात अधूरी रह जाएगी. अब्बा तुम कुछ कहो तो सुनू ना. अब्बा वो तालिब मामू ने ना अपनी बेटी की कहीं बात तय कर दी है. किसकी? अपनी राना की? जी हाँ, और ईद के रोज ये बिल्कुल रिश्ता पक्का हो जाएगा. बड़ी खुशी हुई, अल्लाह मुबारक कर. खास मुबारक करे. आप कोई ऐसा चक्कर चलाइए कि ये सब कुछ ना हो. भाई मैं क्यों बच्चे के रिश्ते में चक्कर डालूं? बोलिए, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. सवाल ये है क्यों करना पड़ेगा?
मैं जो कह रहा हूँ कह ही क्यों रहे हो, आप समझा करें ना अब्बा। मैं क्या समझ, मैं नहीं 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 ये नहीं हो सकता अब्बा, मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ। एडवर्ड की बेटी और हिटलर का बेटा, ये नक्शा कैसे जमेगा? आप जमाएंगे तो जमेगा। और अब आप तो इतने अच्छे प्लानर हैं, अब आपका तो ये चुटकी बजाते हुए ये काम हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। अब्बा आप बच्चे के लिए इतना सा नहीं कर सकते। मसला ये है कि ताले भाई को हमवार करना पड़ेगा और मैं उनसे मिलूं कहां? अस्करी चाचा की बेटा, नहीं नहीं माँ नहीं, माँ नहीं, तुम्हारी माँ को मालूम हो गया, कयामत ढा देगी, वो बेचारे अभी बीमारी से उठते हैं दोबारा ना पड़ जाए। अब्बा मैं बाहर चौकीदारी करता हूँ। नहीं नहीं माँ नहीं, माँ तो सवाल ही। ऐसा करो जी, ये जो अगली गली है जी, उसके पीछे एक पार्क है। हाँ है, तालिब भाई से कहना कल 4 बजे वहां आ जाए। यानी आप और तालिब मामू कल 4 बजे उस पार्क पे मिले? हाँ। शुक्रिया अब्बा, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे क्या बात है, क्यों बुलाया था? भाई दरअसल मैं ये कह रहा था कि क्या हुआ? आओ तो हुआ था, अब यहाँ आओ। क्या हुआ? ये कब्बक्त कहाँ से आन मरे? अरे बच्चे ही तो हैं। ये है ना ये हरे कमीज वाला फितना, ये रिश्वत लेकर हमारी बीवी से बहुबरी करता है। माशाल्लाह बड़ा होनहार बच्चा है, बड़ा होकर तरक्की करेगा। आहिस्ता बोलो, और सुनाओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो तबीयत पूछने को यहाँ बुलाया भाई। अरे भागो, हम चलते हैं। अरे बेटा इतनी जल्दी, अभी तो तुम लोग आए थे। भाईजान बैठे ना, मैं चाय बना लाती हूँ। रहने दो नरमाना, हम तो अम्मा और अब्बू जान को ईद के चांद का सलाम करने और तुम लोगों को चूड़ियाँ दिलवाने के लिए आए थे। आप लोग बगैर खाना खाए जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाई कल इकट्ठा खाना खाएंगे। वैसे भी मुझे सुबह 4 बजे एयरपोर्ट जाना है। क्यों, कौन आ रहा है? अब्बू जान दफ्तर के कुछ लोग आ रहे हैं बाहर से। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और हम खाना थोड़ा सा ज्यादा पकवाइएगा। क्यों? कल मैं अपने साथ लड़के वालों को भी लाऊंगी, वो भी यही खाना खाएंगे। अरे कल ईद के दिन? लेकिन बेटा वो रेहान तो बाजार गया हुआ है। और अब्बू जान आप ही ने तो कहा था कि फैसला भाईजान करेंगे, तो मैंने कहा कि कल लड़के वाले सबसे ईद भी मिल लेंगे और फैसला भी हो जाएगा। अच्छा खुदा हाफिज। मगर भाई अब क्या होगा? अब तो रेहानी आकर कुछ करेगा। तुमने भाभी से कहा था कि तुमको वो लड़का पसंद नहीं? कहा था। ये भी कहा था कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती? ये भी कहा था। साफ लफ्जों में कहा था? कहा था ना। आखिर कैसे कहा था? सर पे फावड़ा मार के तो नहीं कहा था, जैसे कहा जाता है वैसे ही कहा था। बल्कि मैंने तुमसे कुछ और भी कहा था। क्या? वो मैं तुमको नहीं बताऊंगी, बल्कि अब कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी। आखिर भाभी ने फिर क्या कहा था? उन्होंने तो मुझसे वादा किया था कि सब ठीक हो जाएगा। तो फिर ये सब कैसे हो गया? मेरी तो खुद समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। एक बम गिराकर चली गई, मुझसे तो आज तक नहीं मिला। तो करोगी क्या? कुछ नहीं। तब होगा क्या? जो होना होगा हो जाएगा। ये नगमाना क्या कह रही है? ठीक ही कह रही है। तुमने या नगमाना ने रात को क्यों नहीं बताया मुझे?
क्या फर्क पड़ जाता? इसका मतलब है उस दिन जो कुछ भी तुम कह रही थी वो सच था? मैंने तो झूठ ही बोला था, मगर वो हो गया सच। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सच बोलने की? मैंने कब कहा था सच? मरी जा रही थी उस हीरे की अंगूठी और तूफान गाड़ी पर। हाँ मर रही थी, तुमको क्या? मुझे क्या? ठीक कहती हूँ, बाकी मुझे क्या? बैठना उस तूफान गाड़ी पर मेरे पास तो नहीं है ना, मेरे पास तो मोटरसाइकिल है, उस पर बिठाकर मैं तुम्हें एक लंबी सैर पर ले जाता, यूरोप नहीं सफारी पार्क तक, लड़ता झगड़ता। तुम बस लड़ते झगड़ते ही रहे, कभी मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए कहा? अगर मैं कहता तो तुम बैठ जाती? हाँ। अगर अब मैं तुमसे कहूं तो क्या तुम बैठ जाओगी? हाँ। अब्बा अब्बा, अब्बा बाप ने वादा किया था और कुछ नहीं किया भाई, वो मौका ही नहीं मिला, पार्क में मुखबिरों ने हमला कर दिया था। छोड़िए अब्बा, अब तो वक्त हाथ से निकल गया, नौमान भाई अभी पहुंचने वाले। क्या आज? जी हाँ आज, अभी इसी वक्त। तो बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ तो अब मैं करूं? ना ना ना, तुम कुछ ना करना। अरे छोड़िए अब्बा, आपसे तो कुछ नहीं हुआ, अब मुझको ही शोर करना पड़ेगा। शोर करते रह जाओगे, फायदा कुछ नहीं। अरे मरवा दिया अब्बा आपने, आपसे तो ये तक नहीं हो सका कि आप अम्मी से बात कर लेते। ठीक है आज मैं खुद अम्मी से बात करूंगा। बात सुनो, क्या ईद के रोज जूते खाने का बहुत शौक है? पर क्या करूं अब्बा, मैं लड़कियों की तरह रोने बैठ जाऊं? तुम्हारी अम्मी का तो कोई मसला नहीं है, मैं संभाल लूंगा, लेकिन लाली भाई का मामला। अब्बा आप सवाल जवाब जमाने का वक्त नहीं रहा है। सुनो, तुमने शफीउल्लाह साहब का नाम सुना? जी हाँ, बहुत नाम सुना था उनका, नाम बड़े और दर्शन बिल्कुल छोटे मुन्ने से। तो दर्शन करा ही दिए जाए, तुम ऐसा करो कि दुश्मन की लाइन के पीछे चले जाओ। अब्बा जाओ तो, और सुनो लगमाना को इस तरफ ना आने देना। अब्बा देखिए मरवा मत दीजिएगा। जाओ क्या हुआ? कुछ परेशान दिखाई दे रहा है तू, कहीं मिलने भी नहीं गए? खैरियत तो है भैया? क्या बात है, आज ईद के दिन तुम रोली सूरत बना के बैठ गए घर में? अरे तुम्हें क्या, तुम तो बस सेवइयों के प्याले सजाए जाओ, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। क्या पता नहीं क्या, खैरियत तो है? अरे है भी और नहीं भी है, मगर तुमसे कोई बात नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? काटने लगती हूँ मैं, सींग मारती हूँ। कुछ कहूंगा तो सुनोगी थोड़ी, फर्म ही करके दौड़ा डाल दो। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं कहना, छोड़ो। हाय हाय क्या सावा सब हो गया। अरे तुम्हें मेरे सर की कसम, दौड़ा। नहीं नहीं नहीं, इख्तलाज नहीं, कोई इख्तलाज नहीं, चूल्हे में गया इख्तलाज। पता है आज उधर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? राजा की मंगनी हो रही है। अरे तौबा है, तुमने तो मेरा कलेजा ही दहला दिया था भाई, ये तो खुशी की खबर है। जानती हो कैसा बड़ा घर ताका है बेटी के लिए, फैक्ट्री और जायदाद वाले लोग हैं। भाई माशाल्लाह, ऐश करेगी अपनी बच्ची। घास खा गई हो अपनी, नहीं उनकी बच्ची ऐश करेगी, हमारी बच्ची तो कर दी उस फकीर के हवाले। तो पता नहीं परदेश में आज ईद के दिन भी फाके कर रही होगी, खबरदार जो दौरा डाला। क्या तुम चिल्लाई हरदेव साहब, कानो कान खबर नहीं होने? खबर हो भी जाती तो हम क्या कर लेते? चलो भाई, मुझे नहीं पूछा था ना से, तो मैं भी घास नहीं डाली। तुम तो फुप्पी थी, बड़ा हक होता है फुप्पियों का। तो फुप्पियों ही का हक होता है, मगर ये तो जो हमारी भाभी। अरे कोई भाभी अभी नहीं, सब तुम्हारी कमजोरी है। बड़ा सीना तान के खड़े हो गए थे कि मैं मामू हूँ, मेरी बेटी है। तो क्या तुम फुप्पी नहीं थी? तुम्हारा कोई जोर नहीं था? तो क्या करूँ, पिस्तौल लेके चढ़ाई कर दूँ? अल्लाह ने तुम्हें जबान दी है, अगर तो दी नहीं है, वरना ये मौका है उनके मुँह पे जूता मारने का। कैसे कैसे? अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे अंदर जोर ही नहीं है, वरना ये वक्त है सारा हिसाब चुकाने का। बताओ भी किस
मैं होता ना तुम्हारी जगह तो लड़के की जोर पता नहीं भाई कहाँ जाता और भतीजी का हाथ पकड़ के कहता चलो बात सुनो भाई फरजाना तुम्हारी बेटी थी बड़ा हो सकता है तुमने तो राना मेरी बेटी है मेरा भी हक है ले जा रही हूँ भतीजी को अपने बेटे के साथ रोक सकते हो तो रोक लो बल्ला तुम मत हिम्मत क्या कहा मुझ में हिम्मत नहीं है अरे जाओ जाओ तुम जैसे डरपोक दुश्मन पर जवाबी कार्रवाई कर ही नहीं सकते मुझ में हिम्मत नहीं है मैं डरपोक हूँ अरे ऐसी की तैसी सबकी अब तो यही करके दिखाऊंगी यही होगा चलो तुम मेरे साथ सबको देख लूंगी आपको सही घर में देखती तो राना कानों में कुछ नहीं पहनना तुमने तो पहन लिया बस काफी कोई बात नहीं मैं डैनियो भाई का बुंदा उतार के तुमको पहना दूंगी ऐसा हाथ लगाऊंगी कि याद करो एहसान तुम्हें क्या हुआ जी तुम क्यों गूंगे बने बैठे हो नहीं बस अभी ढोल लेकर आता हूँ और सेना शुरू कर दूँ शाकरा ये शाहीना और नौमान नहीं आया डैनियो भाई को ब्यूटी पार्लर से आने में देर हो गई होगी डैनियो भाई मी मी अरे भाई ये सांप क्यों सूख गया क्या हुआ मैं आई हूँ कोई जिन बला नहीं आ गई है इस घर में वाह साहब वाह क्या कहने हैं बाला बाला ही हो रहा था सब कुछ सोचा होगा कि उसे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा मगर ये भूल गए आप लोग कि मेरा नाम भी एनी बेगम है भाईजान देख लीजिए मुझे एनी हूं मैं बहन हूं आपकी और आप भी देख लीजिए भाभी जान मैं आपकी वही नंद हूं जिसे आपने दूध की मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया था वही हूं मैं भाईजान मेरी फरजाना पर तो आपका बड़ा हक आता था निकाह कर दिया आपने रुखसत कर दिया फाको भरने के लिए भेज दिया परदेश आज मैं भी अपना हक लेकर रहूंगी ये लीजिए पकड़ लिया हाथ मैंने राना का ले जा रही हूँ भतीजी को बहू बनाने के लिए मैं रोक सकते हैं तो रोक कर दिखाइए रोक लीजिए भाभी जान आज मैं अपना हक लेकर रहूंगी आपसे तुम्हारे भाई को इतने बरसों से ये हसरत ही रही कि तुम अपना हक मांगो तो उससे मेरी बहन ले जाओ अपना हक तुम्हें तो मांगने की भी जरूरत है भाई जान अम्मा अब्बू जान लड़के वाले आ गए हैं आइए आइए मीजान अम्मी मुबारक